अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जरा जाओ उधर, चलो पिछाओ पिछाओ पिछाओ। क्या बनना है ये पैसे 500 का है। अरे दरबार आओ जट्टा जी, आ जाओ राइट लेने। इससे बोलना नहीं होते रहे दरबार में। बताएं किस तरह का चलित जो वाहन है उसका शुभारंभ हुआ है और क्या योजना है। मध्य प्रदेश शासन ने अपने लोक कल्याणकारी कार्यों में आज एक नया काम प्रारंभ किया। देवास शहर में एक चलित रसोई हमने प्रारंभ की है। ये चलित रसोई विभिन्न क्षेत्रों में जो है जाकर भोजन देगी। इसमें 5 रुपये उनसे शुल्क लिया जाएगा और उनको भरपेट भोजन इस चलित रसोई के माध्यम से मिलेगा। कितनी गाड़ियाँ संचालित हो रही हैं? अभी एक ही गाड़ी संचालित है यहाँ पर और इसमें हम क्षेत्र चिन्हित करेंगे। जैसे मजदूर तबका जो बाहर क्षेत्र से और अन्य जगह से मजदूर आते हैं, एमजी हॉस्पिटल वाली जगह, बस स्टैंड पे काफ़ी लोग आते हैं,
तो यहाँ पर हम 5 रुपये उनसे लेके रसोई चलित रसोई का संचालन करेंगे। उसका आगे रोड मैप बनेगा कि किस जगह हो सकता है और कहाँ पर हमको इस वाहन को पहुँचाना है। प्रतिदिन कितने संचालन अभी हम न्यूनतम 400-500 लोगों का आप टारगेट मान के चलिए, फिर आगे के समय में जो भी कुछ व्यवस्था बनेगी वैसे उसमें वृद्धि की जाएगी। इसका संचालन कौन करेगा? संचालन इसका नगरीय प्रशासन में आवास विभाग इसका संचालन करता है, लेकिन यहाँ पर देवास नगर पालिका निगम को इन्होंने जवाबदारी। मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग यहाँ पर हमारा शहरी गरीबी उपशमन विभाग इसकी मॉनिटरिंग। अच्छा, आज कहाँ से शुरुआत हुई है और किसने शुभारंभ करा? आज बस स्टैंड से शुभारंभ हुई है और हमारी लाडली नेता देवास के लोकप्रिय विधायक श्रीमंत गायत्री अजय कुमार और महापौर प्रतिनिधि ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर आज शुभारंभ किया। नगर निगम के माध्यम से दीनदयाल रसोईयां पहले से संचालित हो रही हैं, पर ये चलित रसोई आज शुभारंभ हुआ है। ये गुप्त के लोगों को 5 रुपए में थाली भर के खाना देने का काम करेगा। ये शहर के कौन कौन से मार्ग पर चलेगी, क्या इसका रहेगा? आज बस स्टैंड और मजदूर चौराहे पे अभी जाएंगी और उसके बाद फिर और स्टॉप्स ऐड किए जाएंगे।